आई होप uh, दिखाई दे रहा है गाइस क्लास आप सबके लिए स्टार्ट हो गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कॉमेंट uh, करके बताइए कि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी When है चूंकिस yes, गाइस तो क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है चलिए गाइस तो हम अपने यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस देखिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उनको हमें करना है बहुत जल्दी ठीक है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर बहुत जल्दी से आंसर बताइए गाइस वी हैव टू कम्प्लीट मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन तो गाइज अभी देखते हैं कि क्या सेशन में हम हंड्रेड क्वेश्चन कर पाएंगे ओके गाइज सो अभी हमारी रेस है हंड्रेड क्वेश्चन करने की जल्दी से बताइए क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर एवरीवन। अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया क्या जस्ट अ सेकेंड गाइस ओके एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके माय मिस्टेक यस गाइस सो दैट वाज माय मिस्टेक क्वेश्चन नहीं आया था सामने ओके अच्छा गाइज वन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट यस सो गाइज मेगा सेशन विल बी कंडक्टेड टुमारो टी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन है. Instrument, है, atmospheric pressure उसको बैरोमीटर बोलते हैं गाइज जल्दी से बाकी के जो सारे वर्ड है उनको भी रटते जाइए स्क्रीन शॉट लेना ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए क्योंकि अगर एक क्वेश्चन याद करते हो बाकी को, को, बाकी के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं ठीक है अल्टीमेट इट मेजर्स एल्टीट्यूड एंड इन एयरक्राफ्ट ठीक है मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है अनिमो मीटर होता है हमारा फोर्स एंड वेलोसिटी के लिए ऑडियो मीटर होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऑडियो फोन होते हैं पर इंप्रूविंग सेंस ऑफ हियरिंग तो ये सारे जो हमारे आ, मैं जिन पे टिक लगा रही हूँ सारी ही आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइज देखिए गाइज अगर ये आपका इंग्लिश में नहीं आया तो ये आपका स्टैटिक जीके में आ जाएगा प्लीज ये सारे जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स uh, हैं इनके नाम याद कर लीजिएगा कि ये कौन कौन से कार्डियोग्राम कार्डियोग्राफी होती है कार्डियो माने होता है हार्ट तो यहां हमारा मूवमेंट इट ट्रेसिस मूवमेंट ऑफ हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ ओके क्रोनो माने होता है टाइम तो ये किसके लिए होता है टाइम मेजरमेंट अमेंट डिटर्मिन द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इन अ शिप ओके सिनेमाटोग्राफी तो आपका यही हो गया है कि सिनेमा से रिलेटेड गैल्वनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है हाइड्रोमीटर ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स हाइड्रो वॉटर हाइड्रोफोन मेजर साउंड अंडर वॉटर एंड हाइग्रोमीटर मेजर ह्यूमिडिटी इन दी एयर ओके गाइज बताइए समझ में आया इज दिस क्लियर टू यू और नॉट बताइए गाइज एवरी वन इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई बहुत जल्दी से हमें आंसर देना है गाइज बफर हो रहा है आई हैव नो आइडिया ये बफरिंग क्यों हो रही है भाई आज बफरिंग नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल नॉट एट ऑल ओके यस माय टेलीग्राम चैनल इज प्रतिभा सिंह अकेडमी इफ यू वांट टू ज्वाइन आपको पीडीएफ uh, जो है वो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा ठीक है सो इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई बताइए गाइज इन वीडियो स्टक हो रहा है ओके हेलो एवरी वन यस सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फिएबल कंटेंडेड इन सेशिएबल जल्दी से गाइज बताइए वॉट इज दी करेक्ट आंसर एवरी वन

ओके okay, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जीनियल हार्मोनियस ग्रिगेरियस कॉन्ग्रुअस बहुत जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर रोहित रत्मान हां जी भाई ओके okay? सो so, अभी तक ही हाँ, आंसर आ रहा है आप सब लोगों का नेक्स्ट सो दिस इज जीनियल Tending to associate with others of kind, हमारा क्या क्या होता है कि दूसरे के लिए दिखाना दिखाना, थोड़ी सी दया दिखाना, तो ये हो गया दयालु हारमोनियस होना है यहाँ पर एक तालमेन ग्रिगेरियस होता है झुंड में रहने वाला कांग्रेस होता है संगत ओके चलिए गाइस यस ये सारे ही प्रीवियस क्वेश्चन है दूसरे के लिए थोड़ी सी क्या करना दया दिखाना ओके नेबुलस क्या होता है गाइस बताइए साइनो वर्ड हमारा है नेबुलस सो डियरली फेथ वेग स्टेलिय नेबुलस जो होता है वो ये जो हमारा अः uh, स्काई का एक टर्म है नेबुलस ठीक है नेबुला, सो so, नेबुला से ये जो है हमारा नेबुलस बना है इफ समथिंग इज नेबुलस इट इज वेग थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर डिड यू गेट दिस पॉइंट बताइए गाइस समझ में आया गौरव शुक्ला ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला द इनकरेक्ट आंसर ओके तो ये आंसर गौरव आपको पता होना चाहिए मैंने बहुत बार ये वर्ड कराया है अपनी क्लास में गई नेबुलस का मतलब होता है वेग ओके okay? साइनो पूछा गया था और का मतलब बताइए यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ दिस गिवन वर्ड श्रीक नॉइज कलर हालो तो यहां पर हमारा जो वर्ड है ये वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आपसे जो पूछा है यहां पर इट इज मीनिंग बताइए गाइज सो गाइज हमारे कुछ ऑप्शन है जिनको हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है ये तो हमारा हो नहीं सकता नॉइज नॉइज माने न, न, आवाज ठीक है और कैसी आवाज न, बेकार आवाज जो होती है साउंड म्यूजिक तो है नहीं कलर भी नहीं होगा तो श्री क्या होता है ये हमें देखना होगा ये होता है दिस इज ठहाका लगाना जोर जोर से हंसना तो हमारे पास में सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो बचता है विच इज हलो हेलो भी बोलते हैं इससे ठीक है तो यहाँ पर हेलो तो वैसे हमारा ये वर्ड हो जाता है एंड ये वर्ड आपका इस हालो ये हमारा क्या है प्रवाह मंडल तो और जो होता है जैसे कि उस पर्सन की जो एक आ, ये उसकी जो सराउंडिंग होती है उसकी जो वाइब्स होती है उसको हम और बोलते हैं।, है ना? जब किसी से मिलते हैं तो कुछ पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग से so, ये जो क्या जैसे कि है, ये आपका क्या है सन और सन के चारों तरफ ये जो आपका सराउंडिंग होती है ये क्या कहलाता है ये हालो कहलाता है ठीक है समझ में आया बताइए आर्यन अतुल सो दिसन इज द करेक्ट आंसर ओके पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम जल्दी से बताइए गाइज लीगल सिस्टम जो है हमारा उसके लिए क्या बोला जाता है द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम जुडिशरी लेजिस्लेचर पोलिस एग्जीक्यूटिव ओके अगेन गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम एवरी वन जल्दी से बताइए वॉट इज द करेक्ट आंसर ओके सो गाइज ऑल दीज क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में अगर इन क्वेश्चन को कर लोगे रट लोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स हंड्रेड परसेंट यहां से देखिए आएंगे क्वेश्चन ठीक है हाँ जो सोनू वेरी वेरी नाइस बिल्कुल करेक्ट हिंदी बोली है टेलीग्राम चैनल नेम प्रतिभा सिंह अन अकेडमी मेरा जो नाम है ना उसके आगे आप अन अकेडमी लगा देना ज्वाइन कर लीजिएगा जुडिशरीज़ इज दी करेक्ट आंसर ठीक है फर्स्ट वन सो so, यहाँ पर आंसर प्रेम पान चंद ठाकुर अगर आपने सेकेंड वन आंसर दिया है लेजिस्लेचर इज दी प्रोसेस ठीक है जुडिशियरी जो होती है हमारी जजेस uh, होते हैं वहां पे जुडिशरी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए लीगल सिस्टम के लिए सिस्टम जो है वो हमारा जुडिशरी कहलाता है ओके okay, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो जैसे कि आपके आईएएस और आईपीएस अगर आप बी पेपर क्वालिफाई करोगे यू विल बी अच्छा प्रमोशनों के एग्जीक्यूटिव बनोगे एमटीएस पे तो एग्जीक्यूटिव नहीं बनोगे एप्रोप्रेट साइनो ऑफ दिस गिवन वर्ड बताइए प्रोफ्यूज सेफ्टी स्पार्स सिपार्लेंडी स्कार्स सो व्हाट इज साइनो ऑफ दिस गिवन वर्ड हाँ, न्यायालय रोहित रहमान वेरी नाइस तो न्यायालय होता है हमारा वो लेजिस्लेशन तो आपका दैट इज प्रोसेस ओके सो प्रफ्यूज का हमसे पूछा गया है यहां पर साइनो जल्दी से बताइए गाइस व्हाट इज द करेक्ट आंसर हम्म सो प्रफ्यूज हम लोग बोलते हैं कि ये जो चीज है वो हमारी कैसी है बहुत मात्रा में है ओके सो गाइज हेयर वी हैव प्लेंटी किसी चीज का क्या होना उस चीज की Uh, उस चीज की जो अबेंडेंस uh, है उस चीज की जो क्वांटिटी है क्वांटिटी ज्यादा होना क्वांटिटी ज्यादा होना एबेंडेंट होना यहां पर काज इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो लिखते जाओ एबेंडेंस ठीक है एबेंडेंट आपका बहुत ज्यादा वर्ड पूछा जाता है फिर आपका वर्ड आता है कॉपियस आता है ठीक है अब ये आप याद कर लेना कि बहुत सारी कॉपीज आपने भर दी हैं, अपने वर्ड मीनिंग्स याद कर करके ठीक है फिर आता है गाइज आपका इसी में एक वर्ड आता है एक्स्ट्रा विगेंट एक्स्ट्रा विगेंट होता है तो हमारा खर्चीला ये हमारे फाइनेंस रिलेटेड टर्म है लेकिन एक्स्ट्रा विगेंट ज्यादा होना ठीक है एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर करते हो ना आप पिज्जा में सो दैट इज एक्स्ट्रा विगेंट ठीक है सो so यहां पर हमारा प्रफ्यूज एप्रोप्रिएट साइनो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दिस इज प्रोलिफिक एम्पल लेविश लिबरल एक्सेसिव नो नो दैट्स टू मच टू टू मच ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे हमारे ओके नेक्स्ट गाइज एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस गिवेन वर्ड मोरू क्रैंकी चेयरफुल प्रूडेंट सॉलिम बताइए गाइज हाँ जी शिवम कुमार एवरी वन Yes, गाइज उनको नोट करते जाना इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये हर बार पूछे जाते हैं आपके ये जो टर्म्स है कहीं ना कहीं आपके कभी इस सेट में कभी उस सेट में बस यही है ओके सो गाइज जल्दी से बताइए त्यागना हो जाएगा आमिर कौन से वाले क्वेश्चन का जल्दी से एम्पल मोरोज होता है अगर मान लीजिए आपको रोज नहीं मिला इसको याद करो मुझे रोज नहीं मिला और आप क्या हो गए हो आप सैड हो गए हो यानी कि आप मरोज हो गए हो ठीक है सो गाइस सैड इज दी करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अब सैड का जो एंटो है वो क्या है यहाँ पर सोनू क्रैंकी वर्ड आपका आंसर नहीं आना चाहिए आप बहुत टाइम से मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो सोलम भी नहीं है आमिर यहां पर वन चेयरफुल इज दी करेक्ट आंसर अगर रोज नहीं मिला है सैड हो गए अगर एंटोनिम पूछा गया है तो आंसर क्या होगा चेयरफुल इज द करेक्ट आंसर ये बना हुआ है ना रोज इसीलिए बना हुआ है समझ में आया सोलम जो होता है इसका मतलब होता है सीरियस सोलम का मतलब होता है सीरियस प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस याद कर लेना गाइस चेयरफुल होता होता है बहुत खुश एंड क्रैंकी होता है हम लोग बोलते हैं कि कितनी चिड़चिड़ी लड़की है

चेयरफुल हाँ. ही है बिल्कुल करेक्ट आंसर है चेयरफुल इज द करेक्ट आंसर प्रोक्लेम करना वॉट इज दी मीनिंग प्रोड्यूस डिक्लेयर हाँ विष्णु त्रिपाठी आप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ाती सो डिक्लेयर इज दी करेक्ट आंसर प्रोक्लेम कर रहे हो घोषणा दे रहे हो घोषणा कर रहे हो कि दिस इज आई प्रोक्लेम दिस दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन विल बी आस्ट इन योर एग्जामिनेशन कंसील तो होता है छुपाना ठीक है एंटोनिम नहीं पूछा है कंसील होता है यहाँ पर कंसीलर लगाती है ना गर्ल्स मुझे आज वैसे ये था मेकअप वाले उसमें याद नहीं आ रहा था ये वर्ड कौन सा है कंसील इज इस इसमें क्या होता है लड़कियां छुपाती हैं किसी चीज को ओके तो उन्हें छुपाती हैं जैसे कि डार्क सर्कल के लिए कंसीलर लगाती हैं इज दिस क्लियर बताइए गाइस ग्लूमी अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ दिस गिवन वर्ड गाइस अगर इन क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं प्लीज याद कर लीजिए बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है क्लाउडी ब्राइट डल ग्रीडी बताइए गाइस व्हाट इज द करेक्ट आंसर सेलेक्ट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस गिवन वर्ड ग्लूमी का हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए गाइस हिंदी में बोलो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ वैसे तो ग्लूमी जो है यहाँ पर हमारा ग्लूमी इज सैड ठीक है अब ग्लूमी जो है वो कैसा है दुनिया आपकी जब मान लीजिए कोई चला जाता है तो जग सूना सूना लगता है आपका जग कैसा हो जाता है डार्क हो जाता सो so, बेसिकली ग्लूमी इज डार्क ग्लूमी साइड ग्लूमी समथिंग सो दिस इज तो क्लाउडी नहीं होगा यहाँ पर पूछा है, है लालची जिन्होंने आंसर दिया है ठीक है कौन सा विष्णु त्रिपाठी आपने यहाँ पे हेडिंग देखी होगी टाइटल देखा होगा हमारा एम एग्जाम जो कि 2021 अभी फिफ्थ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट चल रही है आपके किसकी साइनो एंडो एंड शल so, का हमें बताना है यहां पर एंटोनिम बताना है ओके okay? हाँ जी हिमांशु मिश्रा आमे जो जो वर्ड्स नहीं आते हैं गाइज लिखते जाइएगा प्लीज जॉट डाउन ऑल दी इंपॉर्टेंट टर्म ठीक है गाना नहीं यहां पर गाना है वर्ड्स लिखते जाना है ओके okay? ब्राइट है बिट्टू कुमार बिल्कुल ब्राइट तो यहाँ पर इस इम्पार्शल का आंसर बताइए हाँ जी आप मेरे से थर्टी सेकेंड्स का लैग है यूट्यूब पे रहता है गाइस अनकेडमी ऐप पे वो थर्टी सेकेंड्स का लैप्स जो है वो नहीं रहता है इन्वॉल्व नहीं है इम्पार्शल है देखो हम लोग बोलते हैं कि आप मेरे से पार्शियलिटी करती हो मम्मी घर में करती है कि नहीं करती है मतलब ये है बड़ा भाई आपका और ये है आपकी छोटी बहन बस आप को प्यार नहीं मिलता है सो गाइज जैसा होता है ना सो so, यहाँ पे साइनो ऑफ दिस वर्ड इम होना यानी कि क्या होना अनबायस्ड अनप्रिजोडाइज्ड ठीक है पार्शलिटी में हमने क्या लगा दिया है यहां पर पार्शलिटी में हमने इम लगा दिया है यानी कि नॉट बायस्ड समझ में आया नॉट बाइस्ड तो अगर मान लीजिए नॉट बाइस्ड है तो हमारा बाइस्ड हो जाएगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर डिड यू गेट दिस पॉइंट समझ में आया एवरी वन बताइए गाइज क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कुछ डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में ठीक है ये हमारे लिए काफी इजी वर्ड था पार्शियल पार्शियलिटी पार्शियलिटी से इम बना है और यहां पर एंडो पूछा गया है तो बाइस इज द करेक्ट आंसर चलिए गाइज So, ये सारे वर्ड्स भी प्लीज इनको रट लेना ठीक है इसमें ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है अनप्रेजाइज इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस इंटरेस्टड इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसपेशनेट ऑब्जेक्टिव इक्विटेबल फेयर ओके प्रेजाइज हमारा फिर से एक नया वर्ड जो है नॉट नया नॉट न्यू बट हाँ एक हमारे लिए उसी टाइप का एक वर्ड आ गया है चलिए गाइस हाँ हाँ जी सौरभ कुमार मिश्रा डेली क्लास आपको करनी पड़ेगी तब जाके फिर हम इंग्लिश को सीख पाएंगे ठीक है मेरा राइट था वेरी नाइस nice, कुंदन मिश्रा जल्दी से बताइए प्रेजोडाइज का साइनो बताना है टॉलरेंस जस्टिस बाइस एडवांटेज एसएससी जी क्लास कब से होगा एस पहले एम हमारा हो जाए फिर एस एस भी होगा गाइस सो so, यहां पर देखिए प्रेजोडाइज का मतलब क्या होता है पक्षपाती बनना साइनो जो है अभी हमने यहां पर पार्शियल सीखा था पार्शियलिटी सीखा था तो हमारा जो वर्ड बनेगा यहाँ पर बाइस इज द करेक्ट आंसर कि हमारे जो घर वाले हैं वो बाइसड रहते हैं या फिर मान लीजिए टीचर्स बाइस रहती हैं ओके पड़ोसी भी बाइसड रहते हैं तो गाइज ये दोनों वर्ड फिर से सीख लो अभी मैंने आपको पार्शियल सिखाया था इसमें बाइस्ड बताया था ठीक है फिर हमारा प्रिजाइज आया है एंड आपकी एक मूवी भी इसी पर बनी थी प्राइड एंड ब्राइड एंड प्रिजाइज प्राइड नहीं था यहाँ पे ब्राइड एंड प्रिजाइज था ना तो वो किसने लिखी थी इस पर हमारी मूवी ऐश्वर्य अड़ाई की बनी थी उसी से याद कर लेना है ठीक है आमिर खान न्यू सॉन्ग लेट हो गया सो वी हैव कैप्टिविटी बताइए एंटोनिम बताना है यहाँ पर अगर किसी को कैप्टिविटी में कैप्टिव कर लोगे तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर ओके okay, सो so, इसको याद करना है कैप में आपने क्या पकड़ लिया है कोई एक कभी ऐसा करा है कि कैप में आपने कोई फ्रॉग व्रॉग पकड़ लिया हो या फिर कोई छोटा सा कीड़ा वीड़ा पकड़ लिया हो कैप में रख के ले आओ आपने कैप में कैप्टिवेट कर लिया है किसी को कैद कर लिया है ओके सो गाइज यहां पर लिबर्टी इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड कैद कर लेना कैप्टिविटी इज कैद कंफ्यूजन हो जा रहा है विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखी थी रोहित तो ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है प्राइड एंड प्रेजाइज जो थी ब्राइड एंड प्रेजाइज वो आपके जेन ऑस्टिन की थी आई गेस एक बार सर्च कर लेना ठीक है सो लिबर्टी इज द करेक्ट आंसर गाइज आपके लिए कंफ्यूज अभी डेफिनेटली होगा अगर आपने वर्ड्स पहले से नहीं करे हैं लेकिन आई रिक्वेस्ट प्लीज ये वर्ड्स कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इससे भी इजी क्या वर्ड्स की आप उम्मीद कर रहे हो अप्रोप्रिएट एंड बताना है अप्रूव को अग्री रिजेक्ट हाँ अगर मान लीजिए अप्रूवल मिल जाता तो यानी कि ये टिक हो जाता और अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो ये टिक हो जाता है इसमें क्या होगा बताइए कैप्चर से भी याद कर सकते हैं पीयूष मिश्रा बिल्कुल सो so, यहाँ पर ये क्या है दिस इज रिजेक्ट क्या मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं ना सो so, बताइए गाइस फॉगिव जाओ मैंने तुम्हें माफ किया ठीक है माफ कर दिया है अगर तो क्या करा है फॉगेट करा है क्या तुम भूल गए हो नहीं भूले नहीं हो गलती तुम्हारी अभी भी अक्यूज कराए अक्यूज माने क्या होता है दोषी अक्यूज ठीक है दोष पार्डन होता है यहां पर माफ करना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कंपेल होता है किसी को बाध्य करना ठीक है सो यस यहां पर पार्डन जो होता है इसका मतलब होता है ये होता है कि पार्डन मैम रिपीट करने के लिए बोलते हैं काफी बच्चों के मेरे पास में वर्ड ही आता है यस yes, बिल्कुल सही है आपने बोला है कि मैम पार्डन मैम फिर से बताइए ठीक है मैम रिपीट द क्वेश्चन तो यहां पर आप क्या बोलते हो दिस इज द नाइस वे ऑफ सेइंग एक्सक्यूज मी मैम

समझ में आ गया पार्डन तो मैं नहीं करूंगी चलिए एजाइल बताइए बताइए पार्डन रिपीट होता है ना पार्डन रिपीट एक्सक्यूज के सेंस में हम लोग बोलते हैं फोगेव होता है भुला देना माफ कर देना ठीक है माफ मतलब फोगे भूल जाना सॉरीट फोगेट भूल जाना हाँ सो मैम लैपटॉप इज हिलिंग बट यू आर पड़िंग ना आर यू समझिंग इफ लैपटॉप इज उजेंड ट्वेंटी वन बारह बजे आपकी सेकेंड अक्टूबर को मेगा सेशन होगा ठीक है फोर्थ अक्टूबर को थोड़ी सी मुझे छुट्टी दे देना नहीं छुट्टी तो नहीं चाहिए मतलब आफ्टरनून तक मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि मेरा एग्जाम है मैं भी एग्जाम एग्जाम देती रहती हूँ एनी Any, एनी वेज क्विक इज द करेक्ट आंसर ठीक है स्टिफ स्टिफ माने होता है कड़क ठीक है डल होता है यहाँ पे डल कैसे होते हो बिल्कुल बेजान जान ही नहीं है डल साउंड कर रहे हो क्या हो गया ओके okay, रिजर्ड होता है यहाँ पे अगेन कड़क क्वारल का एंटोनियम जो करते रहते हो तुम एंटोनियम बताना है यहां पर जल्दी से बताइए ओके okay गाइस थोड़ा अगर फास्ट आंसर करोगे तो मैं फास्ट फास्ट आपको पढ़ा पाऊंगी मैक्सिमम क्वेश्चन हंड्रेड पर कवर करने हैं सो गाइस यू हैव टू कवर क्वेश्चंस जी भाई लैपटॉप हिल कहाँ रहा है मुझे तो नहीं लग रहा कि लैपटॉप हिल रहा है तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है अभी तो ठीक है गाइज एवरी एवरी इज नाइस चलिए तो इस माने होता है यहां पे तुमने बिल्कुल क्या कर लिया है दिस इज ये जो है आपका गाइज स्टफल लड़ाई झगड़ा फ्यूड होता है लड़ाई झगड़ा हारमोनी होती है यहां पर कि भाई अच्छा ये वर्ड मैंने आपको पहले भी याद कराया है जिन बच्चों ने मेरी क्लास करी हारमोनियस हारमोनियम आपने बचाया है ठीक है तो हारमोनियम क्या होता था उसमें एक एक जो आपका हाथ होता था वो जाता था उसके न, एक जो इक्विपमेंट होता था ना उसको खींचने के लिए है ना और बाकी से हम उसके बटन प्रेस करते थे हवा भरने के लिए एक होता था उसमें साइड में तो हारमोनियस तालमेल बिठाना हारमोनी तालमेल हो गया है ठीक है तो ये क्या है दिस इज एन और यहाँ पे क्वारल लड़ाई झगड़ा आज तो हम बता के रहेंगे स्ट्राइफ फ्यूड भी आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो ये क्या है ये आपके साइनो हो गया है ये दो वर्ड्स आपके साइनो है एंड बायस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ गाइस याद कर लेना ठीक है चलिए तो आते हैं क्वारल के साइनो पे ऑल्टरकेशन तू तू मैं मैं हो जाना आर्ग्यूमेंट बहस हो जाना बिकरिंग की बस छुटपुट हमारी हो गई उससे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी हो गई यानी कि कुछ आपका ऐसा हो गया है कि कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि अब तो यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी uh, पॉलिटिशियंस में जो होती रहती है डिस्कॉट डिस्प्यूट फ्यूड ये होता है कि फैमिली में ड्रामा जब हो जाता है Vendita भी होता है स्ट्रगल एंड रेंगल अफरे अफरे होता है दंगा जो कि आपके जैसे कि कश्मीर में या फिर जो होते रहते हैं बॉर्डर पे ठीक है चलिए समझ में आया गाइस अभी तक वर्ड्स क्लियर है ना एक बार गाइस चलिए हमने जो क्लास करी है मैं एक बार इसको गोथ्रू करा रही हूँ आप प्लीज इसको जल्दी से देखिएगा ठीक है कि हमने कितने वर्ड्स जो हैं वो अभी तक कर लिए हैं सो so गाइज सबसे पहला वर्ड था हमारा आ, मैं इसको बोल नहीं रही हूं सिर्फ थ्रू कराऊंगी फॉर वन सेकेंड ठीक है आज टाइम ओवर ठीक है अब देखो आपने गाइज एक बार देख लिया जब भी दस वर्ड पंद्रह वर्ड्स करो तो प्लीज एक revision, रिविजन क्विक रिविजन इज मस्ट ठीक है डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर देना यहां पर एंटो बताना है जल्दी से बताइए गाइज वॉट इज डिस्ट्रॉय सो म ऑफ डिस्ट्रॉय अच्छा गाइज इफ यू हिट लाइक बटन प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर करना है एंड अनडमी मेगा सेशन होने वाला है कल एम डी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का बारह बजे तो फिर आपको ज्वाइन करना है सेकेंड ऑक्टोबर ओके गाइज डिस्ट्रॉय ऑब्लिटरेट एबोलिश प्रिजर्व शाइन बताइए गाइज वॉट इज ऑफ दिस गिवेन वर्ड एवरी वन हाँ जी संगीता वहरा बिल्कुल प्रिजर्व गौरव पटेल बिल्कुल अब मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर दिया तहस नहस कर दिया ऑब्लिटरेट ये गाइस वर्ड तीनों ही तीनों ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो अच्छे से मैंने अभी यहां पे टिक नहीं किया इसको चलिए गाइस सो दीज थ्री वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट याद कर लेना और एनहिलेट की स्पेलिंग भी याद कर लेना क्योंकि स्पेलिंग गौरव अलग से स्पेलिंग नहीं करनी है वरना कंफ्यूज हो जाओगे ऑब्लिटरेट ठीक है एक होता है ऑब्डरेट ऑब्डरेट माने होता है जिद्दी ऑब्लिटरेट होता है एनिहिलेट किसी को तबाह कर देना ये तीनों वर्ड्स याद कर लेना पता चला कि आपके एग्जाम में आया annihilate आपने सोचा मैंने याद ही नहीं करा है मैंने पढ़ा ही नहीं है मुझे तो आता ही नहीं है ओके सो प्रिजर्व किसी को संरक्षण संरक्षण किया प्रिजर्व कर लिया स्किन प्रिजर्व की जाती है जानवर प्रिजर्व किए जाते हैं अचार जो है घर में मम्मी अचार जो है वो प्रिजर्व कर लेती है ठीक ठीक है, so, तवा नहीं करती है उसको थर्ड वन तुम तवा कर देते हो okay, strange, appropriate अगर कोई चीज स्ट्रेंज है तो यानी कि कैसी है हमारी डिसमल है abnormal है, conventional है, natural है, जल्दी से बताइए, नो ऑलरेडी बच चुका है सो गाइज आई विल नॉट टेक मच टाइम नॉर्मल ये क्या हो जाएगा स्ट्रेंज है यानी कि कुछ अजीब है अजीब है यानी कि आपका नॉर्मल नहीं है नॉट नॉर्मल यानी कि क्या है अब नॉर्मल है इज दिस क्लियर चलिए गाइज हा साइनो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ये आपका काफी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सिलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ दिस गिवेन वर्ड स्कॉन माने क्या होता है स्कॉन कंसाइज डिस्पाइज बायस फेयर्स तो यहां पर हमारा कंसाइज होता है संक्षिप्त डिस्पाइस होता है घृणा कौन माने किसी से क्या करना घृणा करना डिस्पाइस ठीक है घृणा की मैंने घड़ा लिख दिया है वैसे ये यहां पे नहीं ये घड़ा नहीं होगा घृणा आपका क्या होगा दिस इज घृणा ओके इतनी तो हिंदी आती है ओके गाइस समझ में आया ये स्कॉन करना, किसी से नफरत करना, करना, मिल जाएगा बहुत जल्दी से मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ दिस वर्ड चेरिश अब आपने घृणा तो सीख लिया है लेकिन अगर मान लीजिए किसी को आप चेरिश करते हो तो चेरिश भी तो करोगे ना तो अक्यूज करोगे उसको Uh, उसको बुरा बुरा बोलोगे उसको दोषी बोलोगे अक्यूज माने क्या होता है दोषी फ्लैटर माने किसी की चापलूसी करना एंड वैल्यू करना किसी को किसी को वैल्यू करना ठीक है ये ऑलमोस्ट हमारा नियर वर्ड तो हो गया है साइनो पूछा है यहां पर एप्रिशिएट करना टू लव एंड टू चेरिश चेरिश करना किसी की किसी की बढ़ाई करना ठीक है समझ में आया चेयरअप करना इसको क्या करना इसको आप याद करना चेयरअप से

एबेंडन होता है त्यागना छोड़ देना तो यहाँ हमारा जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा एक्सेप्ट किसी को स्वीकार करना और बाकी के जो सारे वर्ड्स हैं वो हमारे क्या है ऑल दीज वर्ड्स आर साइनो ऑफ एबेंडन ओके हमसे एंटोनिम पूछा था इज दिस क्लियर करके चारिश करेंगे एब्सटेन करना परहेज करना किसी को त्यागना करते हो यानी कि अब मैं बोलूं कि आप एक काम करो कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो तो से एब्सटेन करते हो ओके okay, से त्यागते हो एमिल्योरेट डिफिकल्ट टर्म है और काफी अच्छा टर्म है गाइस बताइए व्हाट इज साइनो ऑफ दिस गिवेन वॉट एमिल्योरेट ओके सर द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन अग्री रिस्टोर डैमेज इम्प्रूव सो एमट होता है एक आपका डेटेर वॉट इज मीनिंग ऑफ देखो डेटेर डिलीट तो यानी कि कोई चीज जिसकी क्वालिटी कैसी हो रही है वर्स हो रही है क्वालिटी घट रही है ओके okay? और यहाँ पे एम्यूरेट का मतलब होता है सुधार होना तो ये जो वर्ड है हमारा इम्प्रूव इज द करेक्ट आंसर ओके मानसी समझ में आया राखी रानी रितेश गागर एवरी वन इज दिस क्लियर चलिए गाइस आगे चलते हैं यहां पर कॉम्प्रेहेंड साइनो पूछा है आपसे अब ये वर्ड अगर समझ में नहीं आया है तो इस वर्ड को समझो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन मैम करवा दीजिए आप लोग हमेशा बोलते हैं मैम रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन कैसे होगा क्या होगा सो कॉम्प्रेहेंड कॉम्प्रेहेंड होता है दिस इज टू अंडरस्टैंड समझना ओके सो गाइज हेव वी हैव डीवन इज दी करेक्ट आंसर फोर्थ क्या दे रही हूँ अब मॉनिटर जो था क्लास में वो क्या करता था छोटे जब हम होते थे तो वो हमें ना चेतावनी देता था, था देखो तुम सीधे से बैठ जाओ घंटा मैं क्लास टीचर को बता दूंगी मेरी तो खैर एक monitor ऐसी ही करती थी फिर मैंने भी ठान लिया मैंने कहा अब से तो मॉनिटर हम ही बनेंगे सो एनी वेज वार्निंग इज द करेक्ट आंसर साइनो पार्डन माफ कर देना अमेजमेंट भौचक्का हो जाना ओके okay, अवार्ड जो कि आपको मिलता रहता है ठीक है नहीं मिलता है तो ले लीजिएगा अवार्ड इस लाइक like बनिए कि आपको अवार्ड दिया जाए ओके सो सेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो हिंडर आप बताइए गाइस क्या क्या आपके वो जो हैं है एक्सक्यूज़ेस क्या हैं आपके लाइफ में कि भाई मेरे लाइफ में ये ये बाधाएं हैं ये ये हिंड्रेंसेज हैं इसलिए मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा साइनो ऑफ दिस क्रिएट प्रोडक्ट विंडिक्टिव इम्पीड तो यहाँ पे इम्पेडमेंट होते हैं ओके okay? बिल्कुल बुलेट ट्रेन तो है हम डी वन इज विंडिक्टिव का मतलब होता है यहाँ पर गाइज दिस इज विंडिक्टिव विंडिक्टिव रिवेंजफुल रिवेंज तुमसे बदला लेके रहूंगा रिवेंजफुल प्रोटेक्ट करना नहीं भाई मेरी लड़की को मत मारो प्रोटेक्ट करो ओके गाइज सो इम्पीड इज द करेक्ट आंसर डू गेट दिस पॉइंट चलिए गाइज इलिसिट इंड्यूस एक्सट्रैक्ट डाइवर्स इन साइनो पूछा है काफी अच्छा वर्ड है आई वुड से दिस इज डिफिकल्ट बताइए सोनू आप तो क्लास काफी टाइम से कर रहे हो हाँ जी बिट्टू कुमार समझ में आया मोहम्मद हक सिकंदर कुमार इज दिस क्लियर टू यू और नॉट चलिए गाइस ब्रजेश ओके गाइस सो इंड्यूस करना एक्सट्रैक्ट करना एलसिट किसी से कोई चीज निकालना निकालना अर्थ निकालना ठीक है इन्फर करना अर्थ निकालना एक होता है आपका मतलब यहां पर एलिसिड इज अवैध करना डाइवर्ज करना 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 मन में बैठाना दिस इज आपने क्या करा है इंस्टिल कर लिया है मन में बैठा लिया है एक्स डाइवर्स कर रहे हो यानी कि किसी डाइवर्ट कर रहे हो ठीक है समझ में आया इंड्यूस कर रहे हो यानी कि किसी को भड़का रहे हो तो ये हमारा वो वर्ड नहीं है डाइवर्स जो, जो होता है समथिंग डिफरेंट डाइवर्स वर्ड नहीं है ये आपका डाइवर्स कर रहे हो यानी कि आप दिस इज वॉट उजागर कर रहे हो डाइवर्स जो होता है वो उजागर करना रिवील करना ठीक है लेकिन हाँ डाइवर्ट पे तो नहीं जाएंगे हम समझ में आया डिलिजेंट इंडस्ट्रियस डिसअपेयर इन काइंड बताइएगा इस अच्छा गाइज हमारे अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं तो प्लीज थोड़ी सी स्पीड मेंटेन अभी हम कर सकते हैं वी हैव एर फिफ्टीन मिनट्स लाइक ठीक है तो गाइज डाइलीजेंट uh, होता है इंडस्ट्रियस के लिए बोलते हैं यहाँ पर ए वन इज द करेक्ट आंसर डिसअपेयर होता है निराशा अगर आपने यह वर्ड देखा होगा तो अभी आया था इनडेफिनेट डेफिनेट जिसका कोई रूप स्वरूप नहीं होता है ओके विक्ट्री, साइनो पूछा है, है, है विजयी ठीक तो यहां पर मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए विजयी भव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कंटेबिनेट जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए होता है किसी चीज से रोहित रत्नाम अर्थ निकालना ठीक है और एक होता है इसका एक होमोफोन भी होता है आपका नॉट लीगल है कंटेमिनेट होता है, है. है यहाँ पर साइनो पूछा है यानी कि pollute जैसे कि ये क्या है गंदा पानी है ये कंटेमिनेटेड है पार्सिमनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मोनियस का मतलब क्या होता है साइनो ऑफ दिस given वर्ड साइनो है पार्सी पर्स में मनी जो रखता है वो कैसा होता है कंजूस होता है सो so, पार्सीमोनियस है फ्रूगल्टी सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर ओके समझ में आया गाइज इज दिस क्लियर तो साइनो साइनोगाइज ये मैं लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट है प्लीज इसको रट लेना अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूं कि इस इन सारे वर्ड्स को रट लो साइनो निगा ठीक है पेनी पिंचर इकोनॉमिकल फ्रूगल प्रोविडेंट ये क्या है ये सारे हमारे वर्ड जो है ये आते हैं कंजूस की कैटेगरी में ठीक है और ये आते हैं प्रोडिकल प्रॉलिफ्रेट स्मेंट स्कोड्रिंग थ्रिफलेस अन वेस्टफुल ये आते हैं जो कि खर्चीला होता है ओके okay, तो डिसाइड कर लो कि आप कौन से वाले कैटेगरी में हो फिटीक साइनो पूछा है यहां पर देखो आपकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है कि मैम कितना पढ़े तो हमारा यहां पर साइनो है वेयरिनेस थकावट कि मैम अब तो पढ़ पढ़ के थक चुके हैं कितना पढ़े फटीक ओके सो रिडंडेंट रिडंडेंट है साइनो पूछा है यहां पर विच इज अननेसेसरी सो अन इस्टेड नॉट इंटरेस्टेड अनुटेबल तो रिडेंडेंट होता है कि मतलब इज नॉट रिक्वायर्ड है नॉट रिक्वायर्ड है जैसे कि आपके लिए अभी क्या है ब्लैंकेट uh, जो है वो रिडेंडेंट है क्योंकि गर्मी चल रही है तो नॉट रिक्वायर्ड यस ऑल क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एमडीएस ओके गाइस सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमडीएस के स्केंटी साइनो हमसे पूछा है प्लेंटिफुल इनफ एडिकेट मीगर क्या है ये मैंने बोला था ये जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है आपका आ सकता है ये कैसा है खाना अगर मान लीजिए बुआ जी के यहाँ जाए किसी के यहाँ जाए और इतना सा खाना देते बोलोगे ये क्या है इस प्लेट में तो कुछ है ही नहीं तो ये मीगर है किसी चीज की कमी होना है स्केंटी होना ठीक है फ्लरिश साइनो पूछा है लैंग्वेज वायद श्रिवुल ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है लैंग्वेज होता है यहाँ पर थकाउट ठीक है दो वर्ड्स जो है इनका मतलब होता है यहां पर कैसा हो जाना मुरझा जाना तो तीनों वर्ड्स हमारे ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स है थ्राइव होता है फलना फुलना फुल्ला सो गाइड है समझ में आया बताइए अनिमेश आनंद सागर राज मानसी एवरी वन रिलेक्टेंट होता है यानी कि अनिच्छुक कहां पर आया था ये वर्ड हमारा रिलेक्टेंट जो था मैंने कहीं पे अभी मैंने बताया नहीं आपको कहीं आया नहीं है चलिए कोई बात नहीं रिलेक्टेंट होता है आई हैड टू गो दे रिलेक्टेंटली ओके चलिए गाइस जल्दी से बताइए व्हाट इज द मीनिंग टू पिक अप द थ्रेड्स टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली बीइंग रिसीव्ड वेरी वार्मली टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट एट अ शोर्ट डिस्टेंस गाइस पहले जब भी ये ईडियम आया था तो ये डेफिनेटली हमारा डिफिकल्ट ईडियम है जो बच्चों को याद नहीं हुआ था इसका ईडियम मीनिंग जो है आप कुछ और ही समझते हो जय श्री कृष्णा हाज, हाजी भाई फॉलो फॉलो तो बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम टू पिक अप द टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली बींग रिसीव वेरी वार्मली टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बताइए तो यहां पर टू रीस्टार्ट पिकअप कोई अगर थ्रेड पड़ा हुआ है यानी कि हम लोग बोलते हैं ना थ्रेड बेसिकली basic, हमारा होता है जो होते हैं ना उन्हें थ्रेड्स बोलते हैं ठीक है हमारे ईमेल में थ्रेड्स होते हैं सो so, उस पॉइंट से पकड़ना जहां पे कोई चीज छोड़ी गई है आपके रील होती है ना ठीक है सुई धागा जो होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि निकालते कहां से हमारा जो है कहां पे टूटा हुआ धागा है फिर हम उसको डालते हैं सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर अच्छा था कट वन शॉट अभी आप क्या कर रहे हो जैसे कि मैम थोड़ा जल्दी कर लो कट वन शॉट मैम थोड़े काम करो जल्दी कर लो टू इंटरप्ट समन ठीक है मैम अलिश जो बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर एक्सप्लेन कर रही बट यू आर सेइंग मैम मैम प्लीज आई कट यू शॉर्ट ठीक है और मैं यहाँ पे कह सकती हूँ डोंट कट मी शॉर्ट डोंट कट मी शॉर्ट दिस इज टू इंटरप्ट समवन ओके लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स बताइएगा इस काफी अच्छा आइडियम है हमारा अरे जो बीती वो बात गई तो यहाँ पर दिस इज वॉट टू तो फोगेव एंड फो यहाँ पर आ, बीती बातों को भुला देना लेट गॉन्स बीती बातों को भुला देना ओके समझ में आया बताइए गाइज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू टेक वंस हैट ऑफ यहां पर हम लोग बोलते हैं हैट ऑफ टू भाई तुमने तो क्या करा तुमने तो बिल्कुल इतना शानदार प्रदर्शन किया है सो दिस इज टू एडमायर सम वन फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर समझ में आया गाइस हाँ रितेश दागर इतना नटशेल से और क्या बताऊं ये तो आपका बिल्कुल नटशेल ही चल रहा है आशुतोष आ, समझ में कुछ चीजों तो बतानी पड़ेंगी ना आपको समझाने के लिए माना आपको एक क्वेश्चन आता है लेकिन क्या पता वो किसी और को नहीं आता तो आई विल अ लिटिल बिट सिलेट साइनो तो ईगर है जैसे कि आप सारे लोग क्या हो ईगर हो अभी जानने के लिए कि मैम क्वेश्चन क्या आने वाले हैं अलर्ट होता है यहां पर जब कुछ डेंजर की सिचुएशन होती है ना तो अलर्ट आपका होता है कि बी अलर्ट साइक्लोन आने वाला है लेकिन की नहीं हो आप ठीक है थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर ईगर का मतलब होता है उत्सुक इज दिस क्लियर चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं यहां पर किलिंग ऑफ पेस्ट हाँ सो so, यहां पे कीड़े मकौड़े पेस्टिसाइड कराते हो ना कीड़े मकोड़े मरवाते हो उसमें तो कीड़े मकौड़े छोटे छोटे वैसे जब हमारा क्या होता है कॉकरोच हो जाते हैं घर में ठीक है ना जब कॉकरोच हो जाते हैं तो भाई हमारा पेस्टिसाइड हैं और ये सी आई डी ई जो है इससे सारे वर्ड्स याद कर लेना इसका मतलब होता है हत्या, हर्बल्स की हत्या अपनी खुद की हत्या पेट्रीसाइड होता है यहाँ पर पेरेंट्स की हत्या ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेंगल्ड ये हमारी मूवी भी थी बड़ी अच्छी मूवी थी ऑर्डरली रेगुलेटेड नॉटेड ऑर्गेनाइज्ड तो ये लड़की के जो बाल थे वो कैसे थे tangled थे tangled थे यानी कि भाई उलझे ऐसे करके knotted थे ठीक है knotted जटिल जकड़ा हुआ किसी चीज में तो ये हमारा मूवी का नाम था tangled knotted जकड़ा हुआ orderly regulated organized ये हमारे तीन वर्ड्स क्या हैं ये इसके ये एंटो हो गए ये सारे वर्ड्स हमारे इसके एंटोनिम हैं इज दिस क्लियर टू यू और नॉट साइन मींस किलिंग यस द ब्यूटी ऑफ से बताइए फाइल इक्वेस्ट्रियन बताइए गाइज एवरी वन जल्दी से कि वॉट इज दीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड हां जी सो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं हियर वी आर डन विद ओके आई विल हैव टू चेक ये हो गया है ईगर टेंगल नॉट yes, बैड यहाँ पर हमारे ऑलरेडी वी आर डन विद 56 सिक्स क्वेश्चन ठीक है मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा हम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन हमारे अभी कल भी क्लास होगी गाइस तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी यहाँ पर मेगा सेशन में आई कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से मेगा सेशन का लिंक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ ठीक है ओके okay. हाँ जी बिल्कुल आप बहन कह सकते हैं भाई बन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल ट्रैवलिंग ऑन फुट पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाला वेगा बॉन क्या होता है घुमक्कड़ बोलते हैं गाइस ये सारे वर्ड्स हमारे आए हुए हैं तो इनको ऐसा नहीं है कि अगर ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है बिबली फाइल होता है लवर ऑफ बुक्स जो बुक्स को बहुत ज्यादा प्यार करता है इक्वेस्ट्रियन क्या होता है घोड़े पे दौड़ने वाले को बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन जॉकी जो होता है ना इक्वेस्ट्रियन घुड़सवार एक क्वेश्चन होता है घुड़सवार इस वर्ड को भी याद कर लेना ठीक है कप ऑफ टी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी विच इज योर कप ऑफ टी सो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं चाय की जो प्याली है वो क्या होती है समथिंग दैट प्लीज इज वन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर ओके जो आपको प्लीज करती है जो आपका इंटरेस्ट होता है वो कहलाता है कप ऑफ टी इज दिस क्लियर टू यू और नॉट बताइए गाइस ठीक है ऑन दिप ऑफ माई टंग मेरे तो बिल्कुल जवान पर है अगर यहाँ पे अब मैं बोलू आपसे uh, आपके जवान पे होने चाहिए ये सारे जो मीनिंग uh, है साइनो एंडो ईडियम्स रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी बिल्कुल मेमोरी में होने चाहिए जवान पे होने चाहिए मतलब मेमोरी में ठीक है हाँ जी भाई इक्वेस्ट्रियन भी आपका वही वर्ड है हाँ जी भाई भूपेंद्र बिल्कुल मैं में हूँ ओके टू रन अमोक वेरी इंपॉर्टेंट एक कई बार एग्जाम में आ चुका है इधर उधर देखो रन माने होता है भागना अब जब तुम भाग रहे हो तो ऐसे वैसे तो भागोगे नहीं रन अब आउट इन अ फ्रेंजी पागलपंथी में भागना परेशान होना पागल पंथी में भागना पागलपंथी में, पागल में भागना परेशान होके भागना एकदम ठीक है समझ में आया पार्टिसिपेट इना मैराथन नहीं है जो आपने सेकंड किसका बोला है सेकेंड वन अच्छा लास्ट लास्ट वाले का बोला है तो सेकंड वन नहीं है मैराथॉन में पार्टिसिपेट नहीं करो रन अम वो हो परेशान होके इधर उधर बेचैन हो रहे हो टू हैव अडिसाइज आई तो आपकी जोडिसाइज जो है वो होती है पीलिया होता है हमारे हिंदी में तो सिर्फ पीलिया बोलते हैं ये लेकिन किस तरह की आंखें होती है ब्रजडाइज्ड किसी के लिए बाइसड होना समझ में आया कि भाई इनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया ये कुछ समझ नहीं रही रहा हमारे हिंदी में बोलते हैं कि आंखों पे पर्दा पड़ जाना मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्टा पॉइजन तो ये होता है मान लो तुम्हें स्नेक काट ले अगर स्नेक काट लेगा तो, तो उसका जो पॉइजन है वो तुम्हारे बॉडी में फैल जाएगा उसके लिए डॉक्टर जो है एक लगाएगा इंजेक्शन तो वो जो इंजेक्शन लगाएगा वो होता है एंटीडोट ठीक है एंटीबायोटिक ये एंटीसेप्टिक होती है तुम्हारी डिटॉल डिटोल डिटोल एंटीबायोटिक और एंटीजन जो है वो तुम्हारा ये कोविड में दिया जाता है एंटीबायोटिक्स हमारे कौन से होते हैं एंटीबायोटिक्स ये कुछ मेडिसिन जो होती है बुखार बुखार आने में वैसे दे दिया जाता है एंटीजन तुम्हारे उसमें वायरस में जब था ना एंटर एंटर कराया गया था तो वो दैट वॉज एंटीजन देख लेना कि एंटीजन और एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंस है बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं लाइबल टू ब्रेक इजिली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हमने ये टर्म बहुत ज्यादा पढ़ा है जहां पर हमारा ये जो टर्म है कि भाई ये पर्टिकुलर जो आ, मैटर जो होता है वो कैसा होता है ब्रिटल होता है बहुत जल्दी से जैसे कि गोल्ड जब होता है अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं होता तो वो कैसा होता है लाइबिली उसको जब गर्म किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है टूट जाने वाला हो जाता है भंगुर तभी तो हम लोग कोई भी अपनी इसकी ज्वेलरी को फॉर्म करवा लेते हैं समझ में आ गया टू अन्पॉर्टेंट टू कंसिडर किसी भी चीज कोई ऐसी चीज जिसको तुम्हें कंसिडर करने के लिए कैसी होगी भाई इसे हम कंसीडर क्यों करें ये कैसी है ट्रीवियल है ये कैसी है नगढ़ है ओके okay, समझ में आया नोटिसेबल है नोटिस कर सकते हो नथिंग माने होता है बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अब मैं नगढ़ बोलूं तो एक हो गया है जीरो और एक हो गया है वन तो डिमिनेटिव आपका वन है जीरो होता है नगढ़ समझ में आया गाइस बताइए गौरव शुक्ला प्रिया कृष्णा तोमर एंड रितेश दागर ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैपेबल ऑफ बीइंग रीड जिसको आप रीड कर सकते हो एलिजिबल है एलिजिबल है 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 व्हाट इज इज द करेक्ट आंसर अनसीन ओ सॉरी इनकैपेबल इनकैपेबल दिस कैपेबल नहीं है हमारा यहां पर हाँ बताइए रितेश व्हाट इज द करेक्ट आंसर अच्छा गाइस तो कल आप यूट्यूब के लिए वैसे तो जस्ट अ सेकेंड जो हमारा कल का टॉपिक रहेगा वो है आपका हाँ कल मेगा सेशन है आपका एमटीएस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बारह बजे सेकेंड अक्टूबर ठीक है तो कल आप ज्वाइन जरूर करिएगा हमारा सेशन क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस इसमें कराने वाली हूँ विच विल बी आस्ट इन योर एग्जाम सो इट इज सेशन अच्छा गाइस अनसीन एलिजिबल एलिजिबल अनसीन कर दिया रीड तुमने देखा ही नहीं है ऐसे आंसर नहीं आने चाहिए प्रिया घोषाल एलिजिबल इलिजिबल ओके सो यहां पर वेग है राखी कुमारी हाँ एलिजिबल है एलिजिबल है बताइए गाइज वॉट इज द करेक्ट आंसर है वी हैव सो गाइज थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर ये तो तुम्हारी क्या है एलिजिबल हो ये यानी कि तुम किसी चीज में एंटर कर सकते हो इफ यू आर एलिजिबल दट मीन्स यू आर अलाउ टू एंटर समवेयर कि आप योग्य हैं इलिजिबल एक होता है illegitimate, तो यानी कि वो रिलेटेड टू लॉ होता है इज दिस क्लियर सो गाइस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर यस अनडमी पे होगा एम डी एस का जो सेशन है तो मैं आपके साथ में लिंक एक बार शेयर कर देती हूँ जस्ट अ सेकेंड गाइज एंड हेयर इज द लिंक यस सो गाइज आप इस लिंक पे जाके आई हैव वन लिंक विद यू ठीक है वन हु डज नॉट टायर जो बहुत जल्दी थकता नहीं है वो क्या कहलाता है मैंने आपके साथ भी एक लिंक शेयर किया है अभी उस लिंक पे जाके आप जो है एनरोल कर सकते हैं एंड कल जो हमारा मेगा सेशन होगा उसको फ्री एक्सेस उसका आपको मिल जाएगा इफ यू यूज अ कोड एन जी पी एस वन जीरो ओके गाइज तो जो बहुत जल्दी थकता नहीं है इन डिफीट बल तो यहां पर डिफीट डिफेट आ रहा है आपका ठीक है ये याद रखिएगा जिसको हरा नहीं सकते हो डिफीट से ये वर्ड याद रखिएगा आपको ये याद हो जाएगा इनफ्लैटेबल जो कि जिसको फ्लैट नहीं कर सकते हो इनडिलाईबल होता है यहाँ पर अमिट जिसको मिटा नहीं सकते हो इनडिस्ट्रक्टेबल जिसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो ठीक है चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फर्क पड़ता है आरती चौहान इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे करेक्ट वर्ड देखो गाइस ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे बेस्ड बेस्ड आपका इन पे पे आने के देखो कोई भी सेट लो एक क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा करेक्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है और ये इन जो है वो हम यहाँ पे लगा देते थर्ड वन इज करेक्ट आंसर है सिंपल एस वन स्लीप देखिए गाइज ये चल रहा है बेचारा ये क्या कहलाएगा हमारा सोमना बुलिस्ट कहलाएगा एम्बुल माने होता है वॉक एम्बुल इज वॉक तो सोमना माने होता है स्लीप ठीक है सोमना इज स्लीप तो स्लीप एंड वॉक सोमना बुलिस्ट ठीक है सो so, फटीक मैंने क्लांट होगा नहीं द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन ये होगा फिटीक इज uh, क्या होगी आपकी ड्राउजीनेस फिटीक थकाऊ होना बोरिंग होना ठीक है सो फिलेंथ्रोफिस चलिए इस सारे वर्ड्स एक बार फिर से देख लो हमारा आंसर जो है वो क्या है आंसर है हमारा यहाँ पर सेकेंड वन ओके अब यहां पर आपके जो बाकी के वर्ड्स आते हैं इनको भी हम एक बार ध्यान से देख सकते हैं ऑमनी इंपोर्टेंट माने होता है पावर ऑमनी इंपोर्टेंट माने होता है ऑल तो ऑल पावरफुल ऑमनी पोर्टेंट सर्वशक्तिशाली ओके माने होता है यहां पर मैन फिल माने होता है लव love. तो लवर ऑफ मैन काइंड फिलेंथ्रोफिस्ट यानी कि परोपकारी समझ में आया ठीक है और पेडेस्ट्रियन मैंने वर्ड आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पेडेस्ट्रियन पैदल ठीक है तो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला ओके गाइस तो यहाँ पर अगर हम रूट वर्ड से जाएंगे तो वैसे मैंने ये अपने अन अकेडमी पे प्लस क्लास में ये सारे रूट वर्ड्स कराए हुए हैं लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली लेना होगा ओके अच्छा गाइज तो आज के लिए इतना ही हमारे आज अभी काफी सारे वर्ड्स हुए हैं अगर आपने ये वर्ड्स जो भी वर्ड नहीं आता था गाइज आपको ये नोट करना है मैंने आपके साथ में लिंक शेयर किया है आपको कल मेरी क्लास ज्वाइन करनी है मेगा सेशन एमडीएस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बारह बजे ठीक है कलर ट्राई करूंगी कि YouTube पे भी मैं क्लास ले लू जैसे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं मैं उनको कवर करा पाऊंगा तो आज हमारे ऑलमोस्ट ये अभी क्वेश्चन हुए हैं टारगेट वैसे 100 था लेकिन अभी थोड़ा स्लो आप भी चले हो मैंने तो खैर काफी ट्राई किया कि मैं भगाऊ गाइज वन आवर में सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन मोर एनफ सो गाइज इफ यू बटन दिस सेशन सो गाइज इस सेशन को लाइक जरूर करना है हिट दी लाइक बटन मेगा सेशन हमारा कल होगा ट्वेल्व पी एम सेकेंड ऑक्टूबर ओके एंड गाइज यू हैव टू यूज द कोड ई एन जी पी एस वन जीरो टू गेट फ्री एक्सेस ऑफ माई ऑल कोर्सेज ओके गाइज अन एकेडमी पे मेरी टाइमिंग है फ्री सेशन की 12 बजे एंड गाइज यूट्यूब कल भी आप अगर आप एम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 12 बजे वाला सेशन भी अटेंड कर लेना कल मैं अराउंड 8:30 एक सेशन और लूंगी आप वो भी ज्वाइन कर लेना एंड गाइज प्लीज अगर आपने ये क्वेश्चन कोई भी नहीं आता देखो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लाई हूँ ये आपके सारे प्रीवियस या क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं आता था इसका मतलब क्या था एंड uh, जो भी है मैं इसको आपको समझा दूंगी लिस्ट प्लीज याद कर लेना ठीक है गौरव आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए थे आप क्लासेस लेते रहते हो तो मुझे पता है इतनी वीक वोकैबुलरी मेरे स्टूडेंट्स की नहीं होनी चाहिए ओके okay, गाइस तो चलिए आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड इफ यू एंजॉयड दिस सेशन सो प्लीज हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड गाइज यस सी यू टूमोरो इन माई क्लास काडमी मेगा सेशन एम डी एस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेल्व पी एम सेकेंड ऑक्टूबर बाय बाय गाइज गुड नाइट कीप स्माइलिंग की